आर्यस समाज का अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन अक्टूबर माह में दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इस महासम्मेलन में आर्य जगत से जुड़े लगभग 32 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये जानकारी आर्यस समाज के सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के महासचिव विनय आर्य ने मंडी में दी। उन्होंने बताया कि यह महासम्मेलन 25 से 28 अक्टूबर तक आर्य महाकुंभ के रूप में दिल्ली के रोहिणी में आयोजित होगा। मंडी में इस आशय की पूर्ति के लिए आर्य समाज मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भर से आए आर्य समाज इकाइयों के प्रधान व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विनय आर्य ने बताया कि यह महासम्मेलन आतंकवाद व विश्व भर में फैली अन्य बुराइयों को मिटाने के लिए एक पहल होगी। उन्होंने बताया कि आज विश्व आतंकवाद से ग्रसित है, जरूरत है तो इसे मिटाने की। आर्य समाज इसमें अपनी प्रमुख भूमिका अदा करना चाहता है। उन्होंने बताया कि इस महासम्मेलन में आर्य समाज की सभी शाखाएं, संस्थाएं, स्कूल, अनाथालय भी शामिल होंगे। महासम्मेलन में पहुंचने वाले प्रतिभागियों के लिए भोजन, खाने पीने और रहने की सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। विनय आर्य ने आम लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए अवश्य पहुंचे और इस पुनीत कार्य के भागीदार बने। बैठक में अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ दिल्ली के महामंत्री जोगिंदर लाल खट्टर, आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश के प्रधान प्रबोध चंद सूद, प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री डॉक्टर करम सिंह आर्य आदि मौजूद रहे। आज इस बैठक में आर्य समाज का जो विशाल एक अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन दिल्ली में 25 से 28 अक्टूबर को होने जा रहा रोहिणी में, उसकी तैयारियों को लेकर के और आर्य समाज हिमाचल के सभी प्रतिनिधि किस प्रकार से उसमें सहभागिता करेंगे, भागीदारी करेंगे, उसके ऊपर व्यापकता से चर्चा की गई है। और आर्य समाज को हिमाचल में और जो जिम्मेदारियां हैं समाज की सेवा के लिए, समाज के समर्पण के लिए और समाज के उत्थान के लिए, उनको हिमाचल की गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर भी आज व्यापकता से यहाँ पे चर्चा की गई है। सम्मेलन में दुनिया में आर्य समाज 32 देशों के अंदर कार्य कर रहा है और इस सम्मेलन में भविष्य में मानव जाति के समक्ष जितनी चुनौतियां आने वाली हैं, जो आज मौजूद हैं, पर्यावरण आदि चुनौतियां जिनके से मानव समाज पूरा ग्रसित है पूरी तौर पर, उस चुनौती को हमें समय रहते मुकाबला करना पड़ेगा। और दूसरी उससे भी बड़ी चुनौती आतंकवाद की, एक जो मानसिकता में बस गया आतंकवाद, उसको निकालने के लिए समाज के एक व्यक्ति को सरकारों की सहायता छोड़ करके, सरकारों पे अपेक्षा छोड़ करके कि सरकारें कुछ करेंगी, ना तो सरकारें पर्यावरण के लिए विशेष कुछ कर पाएंगी, ना आतंकवाद के निर्मूलन के लिए कुछ कर पाएंगी, ये सामाजिक संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। इन सभी विषयों पर आर्य समाज की भूमिका पर चिंतन इस अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में दिल्ली में होगा, जिनमें दुनिया के 32 देशों के लाखों लोग, हमारे सभी आर्य समाज के 2500 विद्यालय, हमारे गुरुकुल, हमारे आर्य समाज द्वारा संचालित अनाथालय, महिला आश्रम आदि इसमें भारी संख्या में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं।